मना किया है, कौन मना करेगा? काहे बुलाएंगे हम उनको? तो तू जा रहा है इधर उधर जा रहा है, जा रहा है तो उधर मना, तो फिर बुलाएगा ये चीज? ठीक है, हम लोग आपका बात को समझ रहा, मेरा ट्रस्ट आया भैया, हम लोग का आदेश किया है। हां ठीक है, हम ठीक है मान रहे हैं, लेकिन हम लोग सब कुछ ये देखो भाई, पैर नीचे रखना पड़ रहा है। लालू भैया भी, लालू भैया बढ़िया सुनिए, अगर 8 बजे तक हम लोग यहाँ पहुँच जाते तो बादल दिखता नहीं। यहाँ लड़का का नींद ही नहीं टूट रहा, फोन कर रहे तो प्रेस कर रहा फोन कर। अब यहाँ से कैसे निकलेगा मेरा गाड़ी, अब यहाँ से कैसे निकलेगा भाई मेरा आए। और मेरा भाई तो बेली पैन भी लगा हुआ, आप लोग इससे जान रहे हैं, देख लीजिए बेली पैन भी लगा हुआ है, उसमें हम ये कर रहे हैं। तो अभी तक तो हमको कोई ऐसा दिक्कत नहीं लगा कहीं भी अकेले में। भाई पतला रास्ता है ना, जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अरे यार मेरा फ्यूल रेंज तो धीरे धीरे घटते ही जा रहा है 166 किलोमीटर चल चुके हैं। देखिए भाई वो देखिए, ऑफ रोडिंग भाई, ऑफ रोडिंग देखो, आगे 390 है GN3 और हम पीछे। जिन लोगों का क्वेश्चन था ना भाई ऑफ रोडिंग में कैसा परफॉर्म करता है, तो उन लोग के लिए भाई वीडियो खास करके मस्ट है, मस्ट जरूर देखें। और रास्ता है भाई, रास्ता तो मत ही पूछिए, ऑफ रोडिंग जितना चेक करना हो यहाँ पे आके चेक कर लीजिए। मेरा अभी तक बेली पैन कहीं भी नहीं सटा है, अकेले में सिंगल आ गए यार, कहाँ आ गए। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा ये अपना झारखंड को बोलते हैं ना, झारखंड का ही बोल सकते हैं, सबसे बड़ा पहाड़ है, हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड। अरे यार ये देखो भाई पथरीला रास्ता, अब यहाँ से कैसे निकलेगा मेरा गाड़ी, अब यहाँ से कैसे निकलेगा भाई मेरा आए। हाँ अंडरबेली का ही तो टेंशन लग रहा है, आर्यन भी अभी बोल रहे देखना अंडरबेली सटेगा, सटा तो नहीं। अरे यार ये देखो गाइस, उधर उस साइड देखो राइट में, ये देखो माय गॉड, आर्यन भैया पूरा पीछे पीछे कठिन परिश्रम करते हुए आ रहे हैं। देखो गाइस यहाँ से, देखो यहाँ से ना जो देखने में लग रहा है, सो ऑसम यार, सो ऑसम। ओ भाई ये देखो, ये देखो, ये चेक करो गाइस। अबे पता नहीं बोलेरो कहाँ से आ गया, इधर 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 से रास्ता ही नहीं था वैसा, जबकि आप लोग जैसा देखे होंगे रास्ता था ही नहीं, ये बोलेरो कहाँ से आ गया। पार्किंग लगता है शायद यहाँ पे, गाड़ी लग गया अब अपना पार्किंग में। ओ माय गॉड ये कांटा, तो अब यहाँ से हम लोग को जाना पड़ेगा पैदल, अब यहाँ जाना पड़ेगा। देखिए पालकी भी रखा हुआ है, जो लोग जाना चाहते हैं पालकी में, जैसे कि जो नहीं चल पाएंगे मैन या वुमेन जो भी रहे, उन लोग के लिए देखिए पालकी यहाँ रखा हुआ है, सारा फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगा। बाकी यहाँ से ऊपर अब चलते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं डायरेक्ट ऊपर। भाई देखो अभी हम लोग कहाँ पे हैं, सीढ़ी चल रहे गाइस, हालत ख़राब हो गया भाई। ये देखिए आगे आर्यन भैया, और व्यू देखोगे भाई, बहुत नीचे ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। वो देखिए कहाँ से आ रहे हैं, वो उधर से आए, उधर मंदिर देखिए, हाँ आर्यन भैया इतना स्टेमिना कम कैसे आपका में। अरे हम वीडियो बना रहे हैं, आई एम डूइंग मोटो ब्लॉगिंग, ब्लॉगर हूँ गाइज, मोटो कहाँ है।
मोटो नीचे है और भाई बहुत पीछे आ गया अब ये रहा। नहीं हम ज़्यादा थके हुए नहीं है, थोड़ा स्टेमिना कम हो गया अभी कुछ दिन से। सब लोग पहुंच गया है तो देखिए ऊपर, हम ही नीचे रह गए थोड़ा। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है, नीचे उतरने से मैं ज़्यादा आसानी पाएगा हमको। अरे देखिए आ गए जो लोग पालकी भी यहाँ पे, ये देखिए सलाहाफे नहीं सांस लेने से मना कर रहा है लड़का। लालू भैया आप कब आए? हेलो फर्स्ट, हम फर्स्ट, सबसे फर्स्ट नहीं, सबसे फर्स्ट। लालू भैया सबसे फर्स्ट, हम सेकंड, सेकंड नीचे सेकंड पीछे सेकंड। चलिए भाई ये देखो बस ऊपर पहुंच गए हैं, सीरीज ऊपर बस देख लीजिए आप लोग व्यू देखिए। फाइनली सबसे ऊपर लोग, अरे देखिए मंदिर, जैन स्थल बोलते हैं, मंदिर बोलते हैं, मंदिर है ना, जैन तीर्थ स्थल जो भी हो। वहाँ देखिए हेलीपैड बना हुआ है देख लीजिए, और भाई लोकेशन देख लीजिए गाइस, मजा आ गया ना, हमको तो मज़ा आ रहा है। व्यू कैसा आ रहा है बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। हम लोग को उधर ही से उतरना है कि मंदिर ये रहा और इधर का बोलेरो जा रहा है गाइस, जूम कैसे करें गाइस। कल हम लोग बाइक लाने में हालत ख़राब हो गया था, वहाँ देखिए बोलेरो जा रहा है नीचे, पता नहीं कैसे ले जा रहा है गाइस। जी देखिए भैया धनबाद में रहते हैं बट यहाँ का पता नहीं इनको कि नेशनल हाईवे कौन सा है, और ये रहते हैं धनबाद में देख लीजिए। धनबाद से ऊपर एड्रेस बताइए, हाईवे होता तो उसमें ट्रक कहाँ चल रहा है, ट्रक यहाँ थोड़ी दिख रहा होगा हम लोग का दृष्टि, आपका आपका दृष्टि कमजोर हो गया, दूर दृष्टि कमजोर हो गया। और बताइए यार कैसा लग रहा आपको? लेकिन बचेगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी मौसम का काफ़ी अच्छा किया हुआ है तो गर्मी तो नहीं लग रहा, उतना ठंडा ही लग रहा है यहाँ पे। सही दिन चूज किया, ठंडा लग रहा है लेकिन सही दिन चूज किया, लेकिन बादल नहीं दिख रहा नीचे। हाँ बादल तो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आज रुकते हैं फिर सुबह निकलते हैं। लालू भैया बढ़िया सुनिए, अगर 8 बजे तक हम लोग यहाँ पहुँच जाते तो बादल दिखता नीचे। यहाँ लड़का नींद ही नहीं टूट रहा, फोन कर रहे तो ब्रश कर रहा है, फोन कर रहे तो ब्रश कर रहा है। देखिए अरे ये कौन कौन सा मानव है, ये कौन सा इंसान है, कौन था भैया कौन? ये देखिए ये इशारा कर दिए, ये थे सुबह 8 बजे ब्रश कर रहे थे, यही है, हमको लगा तुम लोग लेट से आएगा। ये देखिए ये लीजिए, ये देखिए और भाई जैसे कि आप लोग को सब कुछ दिखा दिए, श्री पासवरनाथ स्वर्ण भद्र कूट, पासवरनाथ पता नहीं क्या होता, तो देख लीजिए भाई बाहर से कुछ ऐसा है। बाकी आप लोग को पूरा व्यू दिखा दिए हैं और रास्ता उससे तो आप लोग देख ही लिए किधर से आना है नहीं आना है, आप लोग को सब कुछ दिखाई दिए। और अब चलिए अब यहाँ से निकलने जा रहे हैं, और जैकेट वकेट सब हेलमेट में सब इधर रखा हुआ है, अब अपना अपना सामान लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। भाई फाइनली हम लोग वहाँ से निकल गए हैं, और ये देखिए पहाड़ों के बीच से भाई हम लोग अब निकल रहे हैं। अब भाई क्या ही व्यू था यार, आप लोग को हर चीज़ दिखा दी है एंड क्या मज़ा आया यार, क्या मज़ा आया, मतलब एक तो पैसा वसूल, और भाई मतलब लगा था कहीं आए हैं, ऐसा लगा कि कहीं आए हुए हैं, मज़ा आ गया भाई। कैसे यार क्या झाड़ी में लीजिए भैया, आर्यन भैया का गाड़ी फंस गया झाड़ी में। हाँ
भाई देख रहे हो किस तरह से हम लोग तो निकल गए थे, हम लोग किसी का ही बाइक में, हाँ पूरा कहीं फिर ना घुस जाए झाड़ी में। अरे यार कहीं बारिश तो नहीं ना हो रहा उधर? नहीं बारिश तो नहीं हो रहा, वैसा मौसम लग रहा था भाई। लेकिन ड्यूक 250 हो या भाई जेन 3 हो, और साथ साथ में भाई अपनी जेनरेशन 2 250 भी साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, जबकि वो पिलियन के साथ में है और हम लोग सिंगल में है। अगर हम पिलियन के साथ रहते ना तो प्रॉब्लम हमको भी आने वाला था, इतना तो पता चल गया है, क्योंकि रास्ता ही ऐसा है। उतरते उतरते होने लगा बारिश और हम लोग फंस गए, वी आर स्टक। तो अब हम लोग करना है कुछ ऐसा है कि अपना गोप्रो रखना है बैग में, और आवाज़ देख लीजिए आप लोग, सुन लीजिए, ये देख लीजिए बारिश। अब यहाँ से ज़्यादा दूर तो है नहीं, बट अगर रास्ता अगर गीला हो गया तो फिर हालत ख़राब होने वाला है। तो यहाँ के बाद तो भाई अपना ब्लॉगिंग हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से किसी तरह हम लोग को नीचे उतरना है, और देखते हैं कैसा क्या रहता है। गोप्रो हम लोग हमको रखना होगा बैग में, बैग मेरा आगे लेके चला गया राहुल। तो बात कुछ ऐसा है, लग रहा था बारिश बहुत भारी होने वाला है, बट बारिश हुआ नहीं, झांसा दे दिया। और देखिए जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे, यहां से जाना और यहां से ऊपर, और फिर हम लोग वहीं पहुँच गए हैं, ये देख लीजिए। और अब यहाँ से जा भी रहे हैं, एक और मंदिर है वहाँ पर, चलिए। अच्छा आदमी लोग इधर का। अब चलते हैं भाई, हालत ख़राब हो गया यार। हालत ख़राब तो उतना भी वैसा हुआ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल ही था, इतना चलता है। हाँ हाँ ये बाप, हमको तो डर लगता है। भाई हालत ख़राब है मेरा, यहाँ पे दो दो गाड़ी पास ले रहा है यार, हमको तो टेंशन हो गया। सो तो ठीक हुआ, रुक गया, हम पास ही नहीं ले पा रहे थे यार, कसम से बता रहे पास ही नहीं ले पा रहे थे। बाप रे बाप, देख रहे हो पतला रास्ता, बाप रे कितना, कैसे जो इन लोग कर भी लेता है यार, हमसे तो हो ही नहीं पा रहा था। और ये हमको लगता है, ये लोग हमको लगता है दो पार्ट में ये डालना पड़ेगा कि क्या, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि एक और नीचे मंदिर है। ये देखो भाई, पैर नीचे रखना पड़ रहा है। लालू भैया भी टर्निंग रेडियस है इसका अच्छा, नो डाउट, लेकिन भाई नया रास्ता है ना, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना यार। गाइस फाइनली हम लोग नीचे आ चुके हैं सेफली, ऑल हर कोई आराम से अच्छे से सेफ भाई नीचे आ चुके हैं, कोई किसी को कुछ दिक्कत नहीं। तो चलिए चलते हैं, अब कौन सा एक नीचे मंदिर था वहाँ पे, आर्यन भैया और लालू भैया बोल रहे हैं वहाँ पे चलते हैं। इधर से भाई, इधर के लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं, इतना तो हम भाई मान गए हैं, क्योंकि वो लोग देखे हैं कि रास्ता नहीं है, हम लोग खुद मतलब वहाँ पे खड़े थे, तो ये खुद बोले, मतलब इशारा किए कि आगे आने का, तो इन्हीं के साथ जा रहे हैं, शायद ये वहीं पे जा रहे हैं। थैंक यू भैया, चल चल चल, ये देखो एंड हम लोग पहुंच भी गए फिलहाल तो।
सब लोग तो अंदर में है सब। अरे साला बंद हो जाता है भाई, इन लोग कैसे घुस रहा है कहे ना, घुसने दे रहा भाई। जब सब लोग घुस रहा है, देखिए निकल भी रहा है, तो हम लोग को लिए कहा है। कहा हो गया, कहे ना घुसने दे रहे, मना किया है खाली बाइक के लिए, लगाइए सामने उधर पड़ेगा। कौन मना किया है? हम लोग मालिक मना किया है, कौन मना करेगा? कहे बुलाएंगे हम उनको? ओ तू जा रहा है उधर से लगा के अंदर जा रहा है। हां जा रहा है तो उधर मना तो फिर बुलाइए, कौन है बात करते हम नहीं जाएंगे बुलाने। चलिए गेट से साइड कीजिए, सुपरवाइजर को बुलाइए। कहे जाएंगे आप सुपरवाइजर? सुपरवाइजर या फिर जो भी हेड यहां का बुलाइए, बात करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, साइड की चलो ना, वहाँ सामने लगाते चलो, वहाँ पे चलो। क्या फायदा भैया, गाड़ी अंदर रहे नहीं करेगा तो फिर आपका बात को समझ रहा है भैया, हम लोग का आदेश किया। हाँ ठीक है, ठीक है, मान रहे हैं, लेकिन अंदर 26 को कल तक हम लोग गाड़ी अंदर किए हैं। ये ऑटो कैसे घुस गया? जैसे ये गाड़ी मतलब क्या, हेलो सदस्य लोग भी घुस पाएंगे? हम लोग नहीं घुस पाएंगे? नहीं नहीं, सबका घुस है। आप ही बताइए, दर्शन के लिए किसी को मना नहीं किया, बोल रहा है कि बाइक बाइक अलाउ नहीं है। बाइक अलाउ सब बाइक फिर अंदर में स्टाफ काम कर रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो ऑटो कैसे घुस गया? पीछे से चल गया। अच्छा आगे से एंट्री है ना? हां आगे से है उधर। चलो चलो बाहर से, बाइक नहीं अंदर जाने देगा आप लोग। अच्छा मैं ये खड़ा करते हैं बाइक, घुस चलते हैं। हां जा चलो, खड़ा कर जाओ। हां इन्हें बात करते हैं। अच्छा मान के चलिए एक 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 बाइक करके नहीं जा सकते हैं, सब बाइक नहीं, एक एक जा सकते हैं ना? वहाँ जो वो जो कार, वो जो कार लगा हुआ है ना वहाँ तक, उससे आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, एक एक बाइक, एक एक बाइक लेके चलो, बाकी खड़ा कर दीजिए। ठीक है ना, तो पहले देख लो पहले किसका नंबर आएगा। जो सॉल्यूशन निकल गया कि एक एक बाइक अब जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे जाना है भाई, देख रहे हो क्या भाई लग रहा है देखने में। हाँ मैं ये लोकेशन, ये व्यू आपको कैसा लग रहा है? हमको तो भाई लग रहा है यहीं पे घर बना के यहीं पर रह जाए, ऐसा लग रहा है। देख रहे हो बाप रे, सही लग रहा है, एक नंबर लग रहा है। तो अंदर तो नहीं जाएंगे, यहीं बाहर से देख लीजिए, फ़ोटो वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड फिर यहाँ से निकलेंगे। जो है आप लोगों को देखिए दिखा दिए हैं, गोला पहुँच गए हैं हम लोग। अब गोला से जा रहे हैं अपने घर की ओर, इसके बाद तो टाइम नहीं लगेगा। कहा कि सबको लेट हो रहा है, हर कोई हर किसी को, एंड भाई आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हम लोग को देखिए पारसनाथ जाने के लिए 165 किलोमीटर हम लोग को टोटल लगा पड़ा था, टोटल मतलब जहाँ तक गाड़ी गया था वहाँ तक। और इस बार तो जैसा कि बोला गया था कि मतलब किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि गाड़ी ऊपर तक चढ़ा था, क्योंकि बहुत बार हुआ था कि गाड़ी ऊपर चढ़ने नहीं देते हैं, क्योंकि कभी बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है ना, जिसके कारण गाड़ी ऊपर ले जाने नहीं देता। तो हम लोग को तो ऐसा कुछ इशू आया नहीं, ऊपर वाले का देन से। तो आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो करना हो कर दें, और चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से अगले बार कुछ अगले कंटेंट में। तो सबको बाय।